आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैं यही सोच रही थी कि जिस पूजा के लिए जानवर मरे आदमी मरे तो क्या उससे भगवान जी प्रसन्न होंगे? मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मोटा भाभी तमे शू कोचो? तुमने बिल्कुल ठीक कहा कोकिला। गोपी बहू तुमने बहुत समझदारी की बात की है। जीवती रे दिकरा। पर इस दूध का क्या करें? माँ जी वहाँ कुछ गरीब बच्चे, अगर उन्हें मैं ये दूध पिला दूँ तो? ठीक है जाओ तुम। कमला तुम गोपी वहू के साथ जाओ। आई आऊँ बेटा। साच्चू बोलू वेवान जी, ये राशि भी ना हर साल मुझसे इसी बात पर जिद करती है, पर मैंने ही इसकी बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। ओ, लेकिन आज आज आपने मेरी गोपी वहू की बात मान ली। कितना प्यार करती है आप गोपी वहू से, है ना? हाँ। अब केतकी बहन, मोटा भाभी पुजारी जी से पूछना चाहिए कि मुख्य पूजा और आरती कितने बचे हैं। चले हम। देखा मम्मी, कागड़ी के मुंह से बेइज्जती कैसे फूल की तरह बरसती है। आपको पता है उसने आज सुबह मुझे नागिन भी बोल दिया था। वो तो जूते मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। तू चिंता मत कर बेटी, देख लेना आज इस नाग पंचमी के दिन मैं इस नागिन के जहरीले दांत तोड़ के ही रहूंगी। फिलहाल तो तू अपनी सास के पास जा। क्या करूं, सब के सब इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। मौका मिले तो एक बार उसी नंबर पे फोन लगा के पूछूं तो सही, वो है कहाँ? सुंदर है, नया डिजाइन है। हमारे समय में जो दागिने बनते थे ना उन पर से तो नजर ही नहीं हटती थी। केतकी बेन आप बिल्कुल सही कह रही है। मैंने किंजल से कहा था मेरा अपना भारी सेट पहनने के लिए, पर आजकल की लड़कियां। पंडित जी प्रसाद तो दीजिए। अरे अरे ये क्या हो गया? किंजल शू करे छे तू? माँ वहां नीचे नल लगा है, मैं जाकर धोकर आती हूँ। ठीक छे जल्दी आओ। जे
मेरा शक सही निकला कि उसी ब्लैकमेलर का कॉल है। कितनी देर लगा दी? देखो तुम परेशान मत हो और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, और मुझे दोबारा फोन मत करना। ए छोकरी, मुझ पर हुकुम मत चला, वरना तू जानती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी ध्यान से सुन, मंदिर के पीछे मेरी लाल गाड़ी खड़ी है, वहां पहुंच, उसमें पैसे रख और दफा हो जा। अरे सफेरा भाई, शुकाम आटली कटकट करो छो। बोला ना, हमारे कुल में अलग से नाग देवता की पूजा करना जरूरी है। पूजा करते ही आधे घंटे में तुम्हारे नाग देवता तुम्हारे पास। चलो माना बहन, पर रोकड़ा तो चाहिए ना। केटला 500। क्या 500? लूट मची है क्या? वैसे भी तो कोई दूध पिलाने नहीं आ रहा है तुम्हारे नाक को, थोड़ा कम करना। अरे बहन, जान जोखिम में डाल के कहां कहां से हम पकड़ के लाते, बहुत कीमती है हमारे लिए। अगर चाहिए तो इधर डिपॉजिट रखो और लेकर जाओ। डिपॉजिट? वापस आने पर 100 रुपए रख के बाकी के 400 लौटा दूंगा। ठीक है, वापस देना। हाय, पुरुष से नोट उड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, पैसा वसूल तो मैं करके ही छोड़ूंगी, बस मौका मिलना चाहिए। कागड़ी दिखी नहीं कि मैंने पिटारी खोली और पुरुष से नाग देवता उसके चरणों में। बहु मजा आवशे जब ये बिना दांत वाला नाग उस नागिन से जहर उगलवाएगा, और वो भी उनके होने वाले समधियों के सामने। मामी, माफ कीजिए, मैंने आपको देखा ही नहीं। रहवा दे, दूसरों के रास्ते का रोड़ा बनना तो तेरी शुरू की आदत है। माफ कीजिए मामी। मामी, ये पिटारा? इसमें नाग भी है? गधेड़ी, बोलती है नाग है, जरा भी अक्कल नहीं तारी पासे। चलट गोपी भी ना, अचानक ही कहीं प्रकट हो जाती है मेरे किए धरे पर पानी फेरने। अरे सच तो ये है कि मेरी तिकरी उस घर में इस पनौती की वजह से दुखी है। चलो अब मौका मिला है तो मेरी परेशान बच्ची का जीना हराम करने वाली एक चुड़ैल का तिया पांचा एक कर डालू, लेकिन वो है कहाँ? तुझे मजा चखाती हूँ काकड़ी, मेरी दिकरी को नागिन बोला था, देख तो।
गोपी के होते मेरी कोई भी गोटी सीधी नहीं बैठती। अरे उर्मी ये सब छोड़ और सोच की नाक गया कहाँ? इतनी सारी भीड़ है, वो तो सारू थयो के नाक जहरीला नहीं है, लेकिन वो गया कहाँ? और मेरे 500 रुपए, अब उसका क्या होगा? अरे कदड़ा, ये क्या किया तूने? उस औरत को जहरीला नाक दे दिया? क्या काका? और क्या, उसके जहरीले दांत अभी मैंने तोड़े नहीं थे, इसीलिए उसको सबसे अलग रखा गया था। अच्छा, उस औरत को ढूंढ और नाक लेकर आ। जाने। अच्छा हुआ गोपी बहू तुम आ गई, पूजा शुरू ही होने वाली है। किंचन, फोन रख, बाद में बात कर लेना। जी माँ, रखती हूँ। कोकी, पूजा शुरू होने वाली है, अहम कहाँ है? जरूरी फोन होगा, बात करके आ जाएगा। ओम द्रम्भगम मजा महि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् तुम्हें क्या छो, अगर ना मिले तो वो सपेरा न जाने डिपॉजिट के अलावा और कितने पैसे अटेगा। हेलो, अब फौरन यहाँ से चली जाओ। तो क्या तुम मुझे देख सकते हो? बिल्कुल देख सकता हूँ, लेकिन अब और नहीं देखना चाहता, इसलिए यहाँ से फौरन चली जाओ।
पता है जब हम दोनों भाई बहन छोटे छोटे थे तो मैं इसे डराने के लिए एक सांप लाया था। वो सांप भी बिल्कुल ऐसा ही था, इतना ही लंबा। हे राशि सांप, परेशान करता रहता है उसे। ये लड़का नहीं सुधरेगा। आ लोगों ने मजाक सोचे छे, यहां मेरी जान पे बनी पड़ी है। और वो नाग गया कहां? गोपी वो जाओ, जाकर अहम को चांदला लगा दो। हमारो दिकरो पढ़ने केतकी में काम के लिए घोड़े पर सवार रहता है। अरे गोपी वो तुम गई नहीं? पर माजी, परवर क्या गोपी वो? जाओ पंडित जी से कहो कि तुम्हें आरती की थाली दे दे, और देखो अहम को ना चांदला अच्छे से लगाना। बहुत बड़ा टीका मत कर देना, उसे मीटिंग में भी जाना है। चल मैं ही चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं अभी आती हूँ केतकी बहन। पर वर क्या कर रही हो? सरा तो मेरी और घर की इज्जत का ख्याल रखो। पंडित जी वो चांदले की थाली देंगे, वो क्या है कि मेरी बहू मेरे दिकरे को चांदला करेगी। अच्छा, ये लीजिए चांदले। जा गोपी बहू, जा चांदलो करने आओ। कैसे करूंगी मैं चांदला? मेरे हाथ तो नहीं लगवाएंगे।